इस बच्चे का मैंने टेस्ट लिया, एग्जाम लिया और इसको अभी अभी फेल कर दिया, इसका नंबर मात्र 23 नंबर आया है, 100 में से 23 नंबर आया है जो कि ये फेल हो गया है, और आपको भी फेल कर दूंगा अगर आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो। तो जैसा कि आपको पता है मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप में से आप बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की कॉपियां मेरे पास भी आएंगे और कुछ स्टूडेंट की कॉपी अदर एग्जामिनर के पास जाएंगे। तो मेरे पास जो कॉपी आएंगे या तो जिस एग्जामिनर के पास आपका कॉपी जाएंगे तो कॉपी में वो क्या देखकर आपका नंबर कट कर देते हैं और क्यों कट करते हैं और क्या देखकर आपको नंबर दिए जाते हैं, ये सारे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि ये बच्चा क्यों फेल हुआ, इनका कॉपी आपको दिखाया जाएगा और ये जो गलती किया है वो गलती आपको नहीं करना। देखिए इनका जो फेल होने का वजह है, ये सभी क्वेश्चन का जवाब दिया है और सही सही दिया है, लेकिन इनको कॉपी लिखने का सही ढंग नहीं पता है। साइंस का ये कॉपी है, साइंस का कॉपी है, और आपको ये भी बताऊंगा कि साइंस में अगर कुछ नहीं आए तो एग्जाम में क्या करना है जो कि आपको फेल होने से बचाया जाए। आपको पता है ना कि मैं एक टीचर होने के नाते, टीचर होने के साथ साथ आपका फैन भी हूँ, आपका फ्रेंड भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों या किसी एग्जामिनर के हाथों कोई बच्चा फेल कर जाए या तो बहुत कम नंबर से पास हुए, ऐसा मैं नहीं चाहता। देखिए एक अच्छे टीचर जो होते हैं वो चाहते हैं उसके हाथों से कोई भी बच्चा फेल ना हो, समझ रहे हैं ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप अच्छे से तरीके से, बेहतरीन तरीके से कॉपी में आंसर कैसे लिख के आएंगे जिससे कि आपका एक भी नंबर कट नहीं हो, एग्जामिनर खुशी खुशी से आपको नंबर देने को मजबूर हो जाए, आपको अच्छा नंबर मिले, और आप समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए इन बच्चा का कमी आपको पहले दिखाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर सब सही सही दिया है, लेकिन इनको कॉपी लिखने का सही ढंग नहीं पता, जैसे तैसे आंसर दिया है, ठीक है। इसका कॉपी आपको दिखाया जाएगा। और हाँ एक बात और बता दूं आपको, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का सवाल था सर साइंस का वीडियो लाइए, इससे पहले हम मैथ का वीडियो लाए हैं, मैथ में कॉपी कैसे लिखेंगे, अगर मैथमेटिक्स में कुछ ना आए एग्जाम में तो क्या करेंगे, या मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करेंगे, इसके लिए वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ आज है वीडियो की टॉपिक साइंस में अगर कुछ नहीं आए तो क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आपको हम फेल होने से बचाएंगे। और हाँ अगर साइंस के क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन मौजूद रहते हैं, इन बहुत से क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन का जवाब, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता हो तो उनका एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, और एग्जाम में बना बना के लिखने पर नंबर कितना कट होते हैं, कट होते हैं या नहीं होते हैं, और कैसे आप एग्जाम में बना बना कर लिखेंगे, ये सारे प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। आज इस वीडियो में सारा फंडा ही क्लियर कर दूंगा, सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन, सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं, तो मुझे वो सारी बातें, वो सारी नॉलेज मुझे पता है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। मुझे सारे प्रोसेस पता है कि कॉपी चेकिंग के दौरान कॉपी में क्या देखे जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट को नंबर कट कर लिया जाता है, क्या देखकर अच्छा नंबर दिया जाता है, क्या देखकर फेल पास किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बने रहना वीडियो पे एंड तक, इस वीडियो को पूरी देखना बाबू, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, प्लस खतरनाक भी होता है, इस बात को याद रखना। एक बात पहले कह देते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा बात याद रखिएगा, एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे। था कोई गुलशन सर नाम का सर कोई था, जो कि उनके वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, बहुत उन्होंने मेरे सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, ठीक है। आज हम वो ट्रिक बताऊंगा, सच्चे और अच्छे ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो कैमरा को पास लाया जाए, आज सारे चीज आपको सिखाया जाए। तो सबसे पहले आप फेल स्टूडेंट की कॉपी देखिए, उसके बाद आपको हम बहुत कुछ सिखाएंगे, बताएंगे। देखिए आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जैसा भी आपका क्वेश्चन पेपर हो, आपको ये बताएंगे, ये साइंस का पेपर है, साइंस की वीडियो है, साइंस पेपर में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो उनका आंसर कैसे लिखेंगे जिससे कि आपको नंबर हासिल हो जाए, एग्जामिनर के द्वारा मिल जाए, ठीक है, ट्रिक बताएंगे। प्लस इस फेल स्टूडेंट का कॉपी देखिए, इनसे आप इम्प्रूव होइए कि क्या गलती नहीं करना है, जो आपको नहीं करना, आप नहीं करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनको 23 नंबर मिला है 100 में, इन्होंने क्या गलती किया है, देखिए ये प्रेजेंटेशन तो अच्छा रहा बाबू, इनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, जोरदार है, ठीक है। इस क्वेश्चन का इनको 2-3 नंबर मिला है, 2 नंबर मिला गया है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छा है, यहाँ पे सही सही लिखा है। इन्होंने क्या गलती किया, इस पेज में इन्होंने नहीं लिखा, छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ देखिए दाग आ गया, दाग किसका है, ये मार्कर पेन का है, ब्लैक पेन जो यूज किया है ना, ये मार्कर वाला ब्लैक पेन यूज किया है, जो कि आपको
कतई नहीं करना, आपको भूल से भी नहीं करना। आपको कौन सा पेन लेना है दिखाता हूँ आपको, ये 2 रुपया, 3 रुपया, ये जो 5 रुपया में जो मिलते हैं जैसा भी पेन, 5 रुपया तक प्राइज, वो पेन लेना है आपको, बॉल पेन लेना है, ठीक है, ऐसा वाला पेन लेना है, इस तरह से पेन से आपको लिखना है, ठीक है, मार्कर कभी भी यूज नहीं करना। हाँ, तो ये पेज खाली रह गया, चलो, जो कि यहाँ पे नेगेटिव इंप्रेशन चला गया। अब यहाँ देखिए कुछ इन्होंने मिस्टेक किया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के इन्होंने 2 नंबर मिला, फिर यहाँ देखिए ऐसे नहीं लिखा। अब दिखाता हूँ, ये भी खाली रखा, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है तो 2 नंबर 1 नंबर मिला इस क्वेश्चन का, कुछ गलती किया होगा। देखिए कॉपी, इनका कॉपी उतना भी सही नहीं है, एकदम जोरदार नहीं है, इन्होंने बहुत कम क्वेश्चन के आंसर दिया, देखिए लिख के खाली छोड़ दिया, सोचा होगा बाद में देंगे लेकिन नहीं दिया, तो इन्होंने बहुत कम क्वेश्चन के आंसर दिया जिससे कट छांट होके जो है ना 23 नंबर इनको मिला है जो कि फेल हो गया, समझ रहे हैं। तो आपको कैसे क्या करना इससे आप सीखें कुछ, क्या गलती किया था पता चला, इन्होंने ये गलती किया था कि इन्होंने जो जो क्वेश्चन के आंसर जानता था उनका जवाब दे दिया, लेकिन बहुत से क्वेश्चन के आंसर नहीं जानता था तो नहीं जवाब दे पाया, जिससे कि इनका पासिंग मार्क भी नहीं आ सका। तो इसलिए आपको हम सिखाएंगे इस वीडियो में कि जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते हैं इन बच्चे की तरह दे देना है, उसके बाद नहीं जानते हैं तो आपको इन बच्चे की तरह खाली नहीं छोड़ना है। इन्होंने देखें बहुत कम क्वेश्चन का जवाब दिया, जो नहीं जानता था वो ट्रिक नहीं लगा पाया, ये गधा निकला है, गधा निकला, समझे ना। लेकिन आप क्या करेंगे, आज इस वीडियो में जो हम आपको ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक लगा लेंगे, आप जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं उनमें वो ट्रिक लगा लेंगे और ढेर सारे पेज एकदम लिख के आएंगे, एग्जामिनर आपको अच्छे खासे नंबर दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ पे 20 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब अगर आप एग्जाम दिए हैं, मान लीजिए ये कॉपी आप ही का है, चलो छोड़ो, मान लीजिए ये कॉपी आपका है, ठीक है, आपका कॉपी चेकिंग में 23 नंबर आया, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक जो ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक एग्जाम में लगाने के बाद आपको 20 से 30 नंबर ज्यादा मिलेंगे, इसमें 20 नंबर ऐड कीजिए कितना 43 नंबर मिल जाएंगे आपको, कम से कम 43 नंबर तो मिल ही जाएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 60-70 नंबर आप ला लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो बने रहना वीडियो पेंड तक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इतने सारे क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, सब में ट्रिक आपको लगा लगा के बताएंगे, सिखाएंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो क्या करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। देखो मैं एक एग्जामिनर हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चे का वहाँ पे पेज खाली रह जाए, सादा रह जाए, एग्जामिनर खुद चाहता है कि बच्चे का वहाँ पे कॉपी में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आंसर काफी हद तक कुछ स्टेप तक लिखी हो, जिससे मुझे भी मार्किंग करने में बने, मुझे भी नंबर देने में बने, ठीक है। देखो मैं जब कॉपी चेक करता हूँ लाइक बहुत से पेज सादा मिलता है, ठीक है, मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए एग्जाम से पहले, जिससे काफी बच्चे फेल होने से बच जाए, ठीक है ना। हाँ, तो ये रहा साइंस का पेपर, और भी साइंस का पेपर लेके आए हैं, सभी में आपको ट्रिक लगा लगा के बताएंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बाबू, एकदम एंड तक देखना, ठीक है। चलिए, साइंस में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक लगाने से पहले आप जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे आपको आंसर शीट में दे देना है, उसके बाद जो जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे उनमें ट्रिक लगाना है, आई बात समझ में ना। तो चलिए, मान लीजिए बहुत से क्वेश्चन है, मान लीजिए हम बहुत से क्वेश्चन जानते हैं, अब आप कुछ प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर नहीं जानते हैं, सपोज कीजिए कौन सा, आपको डेमो के लिए सिखाऊं एग्जाम्पल के लिए, चलो मान लो आप ये नहीं जानते हैं, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है, मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो 5 नंबर छूट जाएगा, तो हम आपका 5 नंबर नहीं छूटने देंगे। देखिए अब आपको ट्रिक लगाना है, ट्रिक क्या करना है, सब आपको, हम यहाँ पे स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी हो के आपको सिखाएंगे, एक दोस्त बनकर हाँ आपको सिखाएंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेंगे। तो ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक लगाने से पहले ना आपको आंसर शीट में इस तरह लिखना है, देखिए कितना नंबर का है, 28 नंबर का है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो वही करना कि जो जो क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे उनका जवाब दे देंगे, ठीक है, देने के बाद हाँ, देने के बाद तब जाके इसका आंसर देंगे, लास्ट 5-6 पेज बाद, नहीं मतलब देखो एक सेकंड कंफ्यूजन ना, जो जो क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे उनका जवाब दे देंगे, ठीक है। अब जो प्रश्न का आंसर नहीं जानते रहेंगे, पहले तो जितने प्रश्न का आंसर जानते रहेंगे सबका जवाब दे देंगे, आंसर दे देंगे, उसके बाद जो प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तब लिखेंगे। तो चलिए मान लीजिए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या, और हाँ आप मैथ का वीडियो नहीं देखें तो मैथ का भी देख लेना कि मैथ में अगर कुछ ना आए तो क्या करेंगे और मैथ का कॉपी कैसे लिखेंगे, तब एक भी नंबर आपका नहीं कट करने देंगे, कोई भी एग्जामिनर नहीं कट करेंगे, हम भी नहीं करेंगे कट। हाँ, प्रश्न संख्या 28
वीडियो बड़ा होंगे होने दीजिए, आज आपको अच्छे से सीख लीजिए, एग्जाम वाली बात है ठीक है। ऐसा नहीं वीडियो बहुत बड़ा है टाइम लगेगा, ये सब कभी मत सोचना भाई, ये सब सोचोगे तब तो आप गए हो काम से, समझे ना। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आप इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद आपको स्केल लेके जाना है एग्जाम में, स्केल अलाउ रहता है आपको। हम सब कुछ यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, एक स्टूडेंट बनकर आपको सिखा रहे हैं, आपका एक दोस्त बन के आपको सिखाया जा रहा है ठीक है। इस तरह लिख लेंगे, अब देखिए जो क्वेश्चन है उसको भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए दृष्टि दोष। एक बात ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पे पूछा है दृष्टि दोष क्या है, फिर यह कितने प्रकार के होते हैं, फिर इनका निवारण कैसे किया जाता है। तो आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं, मेरा मतलब हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम ट्रिक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दृष्टि दोष एवं, यहाँ पे लिख देंगे क्या है, नहीं लिखेंगे एवं, प्रकार भी लिख सकते हैं नहीं तो निवारण भी लिख सकते हैं ठीक है। एवं प्रकार ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एवं प्रकार एवं या और भी लगा सकते हैं, या एवं निवारण, ये सब पे नंबर नहीं कट होते हैं, ये सब अपना स्टाइल्स है ठीक है। निवारण इतना दे के ऐसे देना है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक पेन से लिख दिया तो अंडरलाइन करना जरूरी नहीं है, क्लियर। अब देखिए, अब आपको ब्लू पेन लेना है, ब्लैक पेन का काम खत्म हो गया, ब्लैक पेन का काम कंप्लीट। अब ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है, क्या खोजना है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड खोजना है। दृष्टि दोष से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, देखिए ऑब्जेक्टिव में आ चले आना है, आपको ध्यान से एकदम देखना है वीडियो को, यहां से शुरू होता है ऑब्जेक्टिव। अब दृष्टि दोष रिलेटेड कुछ भी टॉपिक मिल जाए तो काम बन जाएगा ठीक है। समतल दर्पण जो कि नहीं है, देखिए निकट दृष्टि दोष मिल गया एगो मिला, चलो मानव नेत्र, देखिए दृष्टि दोष जो होता है वो नेत्र रिलेटेड होता है ठीक है, ये भी मिल गया, ये नहीं है, विभवांतर नहीं होता है, आमीटर भी नहीं है, दो को मिला है अब तक, देखिए यहाँ पे मिला। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एगो ही मिला, और है क्या, तीन को मिला, तो स्टाइल्स देखिए लिखने का। और देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, लेंस से रिलेटेड होता है, दृष्टि दोष लेंस के रिलेटेड है ठीक है, ये भी मिल गया। तो चलो यहीं से हम शुरू कर देते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा मिलता जुलता है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, इसको भी लिख सकते हैं, चलिए किसी से भी शुरू कर सकते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव मिला आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, तो हम इससे शुरू करते हैं। हो सके अभी आपको समझ नहीं आते होंगे, लेकिन वीडियो को रुकिए, हम 5-6 क्वेश्चन में 5-6 ठीक है टाइम्स ट्रिक लगा लगा आपको सिखा रहे हैं। तो इसको जैसे यहाँ पे ब्लू पेन उठाना है, इसको देख के यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे एक सेकंड, लिखने से पहले जो है ना अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको हम कट करने जा रहे हैं, कट करने का तरीका सीखिए, बस हो गया, इसी तरह कट किया जाता है, ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना। हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि, जैसा कि अपना ये लैंग्वेज अपना तरीका से हम जानते हैं कि अपना मन है, जैसा कि हम जानते हैं कि, अब यहां से उठाना है, मानव नेत्र में, मानव नेत्र में किस की जगह पे जो भी पाया जाता है उत्तल लेंस, इसका ऑप्शन है सही है उत्तल, यहां पे लिख दीजिए उत्तल लेंस, आपको इस बाउंड्री के पार नहीं जाना है ठीक है, इस बाउंड्री के इस पार नहीं होना है, उत्तल लेंस पाया जाता है। बहुत कुछ आज सीख के जाएंगे इस वीडियो में, एग्जाम के बाद आप मुझे ही याद करेंगे, था कोई गुलशन सर नाम का ठीक है हाँ, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया सपोर्ट किया, पाया जाता है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी लिखा है एक और, इसको भी उठा लेते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस का आया हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं। और हाँ, आप इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं ठीक है, ब्लैक पेन से लिख दें तो और अच्छा, और नहीं लिखेंगे ब्लैक पेन से तो इसको अंडरलाइन तब आपको करने होंगे ठीक है, दोनों सही है, और नहीं करेंगे तो भी सही है हाँ, क्योंकि माइंड हमारा ये होता है और ये होता है, बाकी आप ठीक है, नहीं करेंगे तो भी सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग कहता है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ गया, जितना भी मैच किया है
देखिए एगो यहाँ निकल गया, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, मतलब कि कहा जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है ना। कितना हम लिख दिए, देखिए नहीं जानते थे फिर भी इतना लिख दिया। और लिखिए दो को हो गया, ये हुआ है वो, अब इसको लिख देते हैं ना, ये भी हो जाता एवं या तथा या और हो गया, तथा लगा दीजिए, तथा निकट दृष्टि दोष दूर करने से, यहाँ पे लिख देते हैं तथा या यहाँ पे लिख दीजिए, तथा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, जैसा है वैसा लिख देना, के लिए किस की जगह पे कौन सा होगा, निकट के लिए अवतल होता है, आप जानते रहेंगे, नहीं जानते रहेंगे ऑप्शन तो ही बताएंगे इस वीडियो में कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते रहेंगे तो, के लिए अवतल अवतल लेंस का व्यवहार होता है ना। और लिख दीजिए फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, एक उठाया दो उठाया और है क्या, यहां पे है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसको भी लिखिए, तथा हो गया और लगा दीजिए, और किस के जगह पे कौन सा अवतल और अवतल लेंस अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पहले हम कह देते हैं, बाद में मुझे मत कहना कि सर मुझे समझ नहीं आया, ध्यान से देखोगे बाबू तो समझ आएगा, ठीक है, बनता है। तो इतना देखिए मैंने लिख दिया, इस क्वेश्चन का हम कुछ भी नहीं जानते थे, कहाँ गया, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, लेकिन हम कुछ भी नहीं जानते थे इसका आंसर, फिर भी हम इतना लिख दिया, ठीक है, दिमाग लगा के ट्रिक से लिखा। अब देखिए इसका ट्रिक क्या था कि ऑब्जेक्टिव में खोजना है, तो सच में हम खोज के यहां तक काम बना लिया। अब इसके बावजूद ट्रिक नंबर 2 कहता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी एनी क्वेश्चन, मतलब रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है, जैसे कि दृष्टि दोष, जैसे कि रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है दृष्टि दोष से रिलेटेड हो सकता है भाई, मिलता जुलता निकट दृष्टि दोष हो सकता है, मानव नेत्र हो सकता है, और भी लेंस के द्वारा जो भी हो सकता है, तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानते हैं तो और यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी रहने दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं, मतलब आपको कुछ याद है, जैसे मानव नेत्र का चित्र याद है, उत्तल लेंस का चित्र याद है, फिगर याद है, अवतल लेंस का फिगर याद है, दृष्टि दोष का फिगर याद है, चित्र याद है, तो उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं चित्र सब, ठीक है, इसमें कंजूसी नहीं, आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इतना के बाद आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो फिर इतना ही रहने देंगे ना, तो एग्जामिनर जी आपको जो है ना, 5 में से 1 या 2 नंबर आपको दे देंगे, कम से कम 1 नंबर दे देंगे, 5 में से आपको 1 नंबर इतना दे देंगे। अगर आप चित्र सब बना देते हैं, फिगर ड्रॉ कर देते हैं, तब तो 2-3 नंबर आपको दे देंगे, ठीक है। तो कहा जाता है 0 से अच्छा 1, मतलब ये कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते थे तो छोड़ने वाले थे, छोड़ेंगे तो इस बच्चे के जैसा हाल होगा, इसको मात्र 23 नंबर मिला, क्यों, क्योंकि ये छोड़ दिया था, छोड़ेंगे तो इसके जैसा फेल कर देंगे। लेकिन आप जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं, मान लीजिए, एक पल के लिए मेरे बात पहले सुनिए, मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 में से आप 6 क्वेश्चन का आंसर जानते हैं और दे दिए, 9 क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, तो इसी तरह ट्रिक लगा लगा के 9 क्वेश्चन में अगर ट्रिक लगाते हैं तो एक नंबर सबसे मिला, तो भाई 15-20 नंबर नहीं मिल जाएगा इससे ही,
तो इसमें ऐड करेंगे ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो उसी तरह आप ट्रिक सीखिए और सीखिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे तो पांच में से एक दो नंबर आपको मिल गया। अब मान लीजिए आपको हम सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए आप कहेंगे सर ये तो अथवा में ये तो हो गया ना, आपको हम सिखा रहे हैं, सीख जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन में कोई भी पेपर में लगा सकते हैं ट्रिक। तो अब मान लीजिए आप ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, प्रतिरोध क्या है, किसी कुंडली का प्रतिरोध आमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें, मान लो बच्चों आप नहीं जानते हैं, तो ट्रिक लगाना है भाई, छूटने नहीं देंगे हम आपको, फेल नहीं होने देंगे। पहले कह दिए थे वीडियो के स्टार्ट में ही कहे बोले थे फेल नहीं होने देंगे हम आपको, हम एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जगह है तो चलिए यहीं पे लगा देते हैं ट्रिक, ठीक है, यहीं पे लगा देते हैं, नहीं तो आप अगर आपका ज्यादा ही यहाँ तक हो जाता है तो आप इस पेज में लिख सकते हैं, हम किधर लिखें, चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। पेज जब है ये तो ब्लैक पेन उठाना है और यहाँ पर लिखना है, किधर ही लिख दें, चलो यहाँ ही ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, यही है प्रश्न संख्या 28 का अथवा है, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दो लाइन छोड़ देना है, यहाँ कंप्लीट हुआ दो लाइन स्पेस रखेंगे, यहाँ से लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना 28 से है, इसका अथवा है 28 और यहाँ पे कोमा देना है, अथवा लिखना है, अथवा अब लिखना, अथवा ऐसे रख देना है, अथवा का उत्तर इस तरह लिखना है, ठीक है। और स्केल लेके जाना है एग्जाम में, इसके अलाव रहता है, कहाँ है स्केल, इस तरह से अंडरलाइन कर देना है, स्केल रख के करना है, हाथ से करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगे, बस। तो एक बार क्वेश्चन को ही लिख देते हैं यहाँ पे ब्लैक पेन से ताकि अच्छा हो जाए, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध, अब देखिए क्या है कि जगह पे हम तो नहीं जानते हैं प्रतिरोध क्या है, तो हमको क्या है नहीं लिखना, हमको एवं लिख देना है, प्रतिरोध एवं किसी कुंडली का प्रतिरोध आमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन, ऐसे कर देना। अब आपको आंसर लेना है, ब्लैक पेन का हो गया काम, अब देखिए ढूंढिए कहाँ कहाँ है, ऑब्जेक्टिव में देखिए एगो मिल गया, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, एगो मिला, और भी है क्या, देखिए विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है ना, ये सब रिलेटेड है, रिलेटेड जो जो टॉपिक मिलेगा उठाना है, चलो कोई ना, दो को मिला ना, तो लिखिए यहाँ पे ब्लू पेन से आमीटर को, जैसा कि हम जानते हैं कि अपना लैंग्वेज में, यहां से जैसा कि हम जानते हैं कि आमीटर को विद्युत विद्युत परिपथ में, अब कैसे की जगह पे यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, जोड़ा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये हो गया, और या एवं लगा के अब इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, और हाँ अगर आप चाहते इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इस तरह से नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे तब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम बोल दिया, तथा
तथा विद्युत धारा कैसा है मात्रक, एस आई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पियर होता है। चाहो तो इसको अंडरलाइन भी लगा सकते हो भाई, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, वो अपना मन है। अगर अंडरलाइन नहीं लगाना है तो ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है। लो हो गया, होता है। अब देखिए यहां तक तो होता है ना, है मात्रक होता है, चलो ये भी ठीक है। और भी है क्या, खोज लेते हैं, हो सकता है छोटा बड़ा हो। हाय देखिए बोले थे ना छोटा बड़ा हो, इसीलिए देख लेना चाहिए अच्छे से। वो विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है, ये भी इसी से रिलेटेड है, प्रतिरोध सबसे ही रिलेटेड है, ठीक है। देखिए वोल्ट मीटर है ना, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है इससे रिलेटेड इसको। अब देखिए यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, आपको इस पेज में लिखना है, नहीं तो छोटा जैसा है यार, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। होता है और लगा दीजिए, या तथा लगा दीजिए, या एवं लगा दीजिए। और विभवांतर मापने वाले यंत्र को, विभवांतर यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, हो गया। देखिए अब अच्छा ट्रिक नंबर काम हमारा ऑब्जेक्टिव से खोजना था, ये हो गया, ठीक है, ये लागू हुआ। अब एनी क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे रिलेटेड आपको जो भी याद है, या इस क्वेश्चन से चैप्टर से आपको जो भी याद है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ मतलब आगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर आपको कुछ मतलब इसका फिगर, देखिए चित्र याद है प्रतिरोध का, अगर आपको चित्र याद है तो उसको भी यहाँ पर इसमें मतलब ऐड कर सकते हैं। कुंडली का फिगर याद है, या प्रतिरोध आमीटर का फिगर याद है, या वोल्ट मीटर का, जितने भी मेन टॉपिक है उसका अगर आपको चित्र याद है तो इसमें आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चित्र से, या चित्र दे के वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप इतना रहने देंगे, आपको पांच में से आपको एग्जामिनर खुशी खुशी से, जो है ना एग्जामिनर जी खुशी खुशी से एक नंबर दे देगा, कम से कम एक नंबर आपको दे देगा। और हाँ एक बात और, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव का अगर हम सही ऑप्शन नहीं जानते रहेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, ठीक है कैसे लिखेंगे, तो देखिए तब आपको क्या करना है पता है, तब आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन में हमने ट्रिक लगा के आपको सिखा दिया, अब दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है आपको हम सिखाते हैं। ये रहा, ये भी साइंस का क्वेश्चन पेपर है, अब इसमें आपको बताते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते रहेंगे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक लगाने से बच्चों आपको जो जो क्वेश्चन का आंसर आता है आंसर शीट में दे देंगे, जो प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं उनका ही आंसर में ट्रिक लगाना है। जैसे मान लो अगर हम कोई एग्जाम्पल कुछ भी लूं, कुछ भी चलो इसी को ले लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं तो दो नंबर छूट जाएगा, लेकिन हम आपको दो नंबर नहीं छूटने देंगे। वो कैसे, देखिए आंसर शीट में तैयार कीजिए, पहले आंसर शीट में तैयार करना होता है, ऐसे पेज पलटाना है, कोशिश करना इस बाउंड्री के पार नहीं होना है। यहां पे लिखना था क्या था, विद्युत चुंबकीय तरंग 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखेंगे प्रश्न संख्या ग्यारह का उत्तर, स्केल लेना है, आप मैथ का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ का भी वीडियो देख लीजिएगा। इस तरह विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है इसको भी लिख लेते हैं यहां पे, विद्युत तरंग ऐसे है तो क्वेश्चन में ऐसे ही लिखिए,
ऐसे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक पेन से लिख दिया तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हमने ट्रिक में आपको सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है, तब जाके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखना है या इसी क्वेश्चन से या इसी क्वेश्चन के विद्युत चुंबकीय तरंग क्वेश्चन से जो भी आपको चैप्टर में इस क्वेश्चन के चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन याद है उसका भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे हम अपने बना के कि जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि या तो विद्युत चुंबकीय तरंग है वह है कि अपने मन से। ठीक है, अब चलिए आइए चले आइए क्वेश्चन पेपर कहाँ है ऑब्जेक्टिव में ढूंढने के लिए, ऑब्जेक्टिव में ढूंढने के लिए भाई, ऑब्जेक्टिव में ढूंढने के लिए ध्यान से देखना, सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है भाई, ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए, सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है, सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए देखिए 54 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंग रिलेटेड मिल गया, एगो मिला, चलो काम बन रहा है, काम बन रहा है भाई, काम बन रहा है, काम बन रहा है भाई, देखते हैं और मिल जा मिल जा, देखो मिल गया विद्युत चुंबकीय तरंग मिला, दो को मिला ऑब्जेक्टिव, और देखते हैं जल्दी जल्दी देखते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है ना, देखो मिला विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है मिला, तो चलो सबसे पहले सटीक सटीक यही है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, चलो सबको बारी बारी से लिखते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निम्न मतलब नीचे वाला विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, मतलब कि चार गो में से तीन को विद्युत चुंबकीय तरंग है एगो नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी लिखते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि ये वाला लिखते हैं, आप इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, नहीं तो देखो एगो ब्लैक पेन यूज करना सिखा देते हैं, अगर आप ब्लैक पेन यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, हुआ है कि हम जानते हैं कि नहीं तो चलो यार ब्लैक पेन है वो यहाँ हो गया, अब जरूरी नहीं है, यही जरूरी है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश तरंग को मान दीजिए एक्स किरण दो को हो गया, एगो तीसरा में और लगा दीजिए यह तथा अपने मन से तथा ध्वनि तरंग ये तीनों क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग है एगो नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो क्यों होगा, अवरक्त किरण विद्युत चुंबकीय नहीं है तो इसको कट कीजिए, मतलब ये है तीनों विद्युत चुंबकीय है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तथा अवरक्त किरण यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखिए अवरक्त किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, नहीं है, लिख दिया, कोई आपत्ति, एकदम मस्त है, अच्छा है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, एगो तो हो गया और कहां कहां ढूंढे थे भाई, और ढूंढे थे ये रहा, नहीं ये नहीं है, ऐसा ही दिखने वाला था, ये रहा विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। ठीक है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन, तो कौन की जगह पे ये सही है तो इसको लिख देंगे, एक लाइन आप छोड़ भी सकते हैं या नहीं भी छोड़ सकते हैं, वो अपना मन है, छोड़ देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगने लगे, सी बराबर या और लगा के तथा यू हो गया और सी बराबर वन बटे रूट अंडर नॉट एप्सिलॉन इंटू नॉट म्यू इतना निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, और ढूंढा था और खोजिए,
देखिए हम कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी अच्छा खासा लिख लिया। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, यहाँ पे लिखिए तथा या एवं, तथा विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति, तथा विद्युत चुंबकीय, आज बहुत कुछ सिखा देंगे आपको, तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते थे, मतलब आप नहीं जानते थे, ठीक है, फिर भी इतने सारे आंसर लिख दिया, वो भी अपना ट्रिक लगा के, दिमाग लगा के। तो जब इतने सारे आंसर लिख दिया तो एग्जामिनर दो में से दो नंबर दे देगा, क्योंकि सब सही सही है, इसी से रिलेटेड है। फिर भी अगर दो नंबर ना सही तो कम से कम एक नंबर तो आपको जरूर देगा। लेकिन मेरा मानना है, मतलब अगर मेरे पास आपका कॉपी आएगा दो नंबर दे देंगे, क्योंकि दो नंबर लेने के लिए हकदार है, समझे ना, इस तरह। तो आपको इस तरह ट्रिक लगाना है। चलिए अब आगे हम अगला क्वेश्चन में आपको ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं बाबू और ट्रिक लगाते हैं। और हाँ देखिए मुझसे एक मिस्टेक हो गया थोड़ा, मतलब बातें जो आपसे करते हैं ना उसी में थोड़ा ध्यान भटक गया था। देखिए यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने लिख दिया विद्युत तरंग चुंबकीय, तो आपको लिखना विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। आपसे जो बात भी करते हैं इधर उधर ध्यान दौड़ाते हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला लिख दिया, ठीक है। हाँ तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिए, अब इसमें ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन आप छोड़ेंगे तब अगला लिखेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस बचेंगे तो हम इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे मेरा पन्ना यहाँ पे बहुत से बच रहा है, बहुत से सदा है, तब आपको कंजूसी नहीं करना, और लगे आपको घट रहा है पन्ना, कम पड़ जाएगा, तब आपको थोड़ा कंजूसी करना है, मतलब तब आपको यहाँ भी आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के सामने हमको भरा पेज दिखाना है, मतलब ज्यादा पेज में हम लिखे हैं। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं जानता है, सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे दे देंगे। तो बहुत से क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये बच्चा इसका नहीं जानता है, लगता है डीएनए बहुरूपता से आप क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं, इसी एक बार ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न संख्या या प्रश्न उत्तर संख्या दोनों सही है, ठीक है, 12, तब यहाँ पे उत्तर नहीं लिखेंगे, बस इतना ही रहने देंगे, इसके लिए वो आप पर डिपेंड, आप जैसे भी लिख सकते हैं, ये सब में नंबर कटौती नहीं होता है। हाँ ऐसा नहीं कि थोड़ा हिसाब ऐसा कर दे नंबर कट होगा, नहीं, ये सब में नंबर कट नहीं होता, ठीक है। कहाँ है ये टॉपिक है, अभी ब्लैक पेन से एक बार लिखना होगा, डी एन ए, डीएनए बहुरूपता, ऐसे देख डैश दे दिया, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने मन से, जैसा कि हम जानते हैं कि या डीएनए बहुरूपता से हम वह समझते हैं कि, इसी तरह लिखिए जैसा यहाँ पे कहा गया, क्या समझते हैं, तो डीएनए बहुरूपता से हम, यहाँ पे आप, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आप क्या समझते हैं, हम यह समझते हैं कि अब देखिए आप तो नहीं जानते हैं कुछ भी, तो अब क्या करना है भाई, आपको ना ऑब्जेक्टिव में चले आना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में चले आना है और यहाँ पर खोजना है। शुरू आइए, शुरू से एकदम खोजेंगे, कमी ना होना चाहिए, शुरू से खोजना है। देखिए यहाँ पे मिल गया डीएनए में हाइड्रोजन, मतलब डीएनए रिलेटेड मिलान जी, चलो डीएनए रिलेटेड खोजना है। देखो यहाँ पे मिल गया डीएनए को काटने वाला, यानी डीएनए रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दो को मिला, काम बन रहा है भाई, काम बन रहा है, काम बन रहा है, काम बन रहा है भाई, डीएनए रिलेटेड मिल रहा है, तीन को डीएनए में नाइट्रोजनीकरण मिल गया, तीन को मिला, खुशी की बात है, मिल ये जाता है, मिल जाता है, और नहीं मिलेंगे तो भी बताऊंगा आपको क्या करना है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। डीएनए उंगली छाप मिल गया, चलो बहुत मिल गया, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक लगाते हैं, स्टार्टिंग से लगाते हैं ट्रिक, कहाँ है ये रहा डीएनए में, इसको उठाइए, हम यह समझते हैं कि, यह समझते हैं कि डीएनए में डीएनए में, एग्जामिनर खुद के कहता है कि खाली पेज सदा पेज से अच्छा है कि आप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिख के आओ, मैं नंबर दूंगा, ठीक है। हाँ
और हाँ कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर और आपको कितना नंबर चाहिए ये सब लिख दीजिए, ताकि अगर आपका कॉपी मेरे पास आए तो मैं पहचान सकूं कि हाँ ये बच्चा मेरा बच्चा है, ये मेरा वीडियो देखता था और ये मेरा ही ट्रिक लगाया है। आपका एक भी नंबर कट नहीं करूंगा बाबू, पहले करिए, पूरे के पूरे नंबर आपको दे के पास कर दूंगा। और हाँ आप मुझसे दोस्ती कर लेना, आप फायदे में रहोगे। सब कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा भाई कि आपका कॉपी में कैसे नंबर कट किए जा रहे हैं, कॉपी कैसे चेक हो रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना बाबू, हाँ आप फायदे में रहोगे। हाइड्रोजन, यही सब बात करने में जो है ना मिस्टेक हो जाता है। बंधन, निम्नलिखित में से किससे, किसके, तो किसके जगह पे ऑप्शन में जो सही है उसको लिख दीजिए। अगर आप सही ऑप्शन नहीं जानते रहेंगे तो भी बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चा सही ऑप्शन, मतलब हम भी स्टूडेंट हैं तो हम ये सही ऑप्शन जानते हैं, ठीक है। आप नहीं जानते रहेंगे तो हम इसी वीडियो में आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। थोड़ा आप सब्र बनाइए, धैर्य बनाइए, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को पूरा देख के जाइए। हाँ यहाँ पे लिख देते हैं पूरक क्षारों के मध्य में पाया जाता है, एगो हो गया, ठीक। अब अगला देखो 13 नंबर, ठीक है। ये सब नहीं जानते रहेंगे तो बच्चा वही 23 नंबर लाएगा जिसका कॉपी दिखाए, नहीं जानता था ये ट्रिक, ये वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो देख लीजिए। अब आप यहां से एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं विशिष्ट, या फिर और, या और यहां, या यहां अपना मन है यहीं लिख दो भाई, और विशिष्ट स्थलों पर सब कुछ देख देख के लिखना होता है डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, तो प्रतिबंधन, और यहां पे लिख दो ऐसे करके, ऐसे करके एंड्रोयोनियुआ, छोड़ो ना यार जो भी है, बस हमको तो छापने से मतलब है। एग्जामिनर को थोड़ा पता कि ये बच्चा कहाँ कहाँ स्ट्रिक लगाया है, ये बच्चा नहीं जानता है, वो तो सोचता हुआ जानता है बच्चा, अच्छा खासा लिखा है। कहा जाता है ठीक है, कहा जाता है, ये हो गया। और है और मिला था तो और भी खोज खोजिए, खोजने में कंजूसी नहीं, मिल रहा है फ्री में तो लूटने में क्या दिक्कत भाई, लूट लो, फ्री में मिल रहा है भाई, फ्री मिल रहा है। चलो इतना गैप रखो, कोमा ये जो भी, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे तथा डीएनए में, इस वीडियो को जो बच्चा पूरा देखेगा ना वो नंबर बहुत ज्यादा एग्जाम में लाएगा एकदम, एग्जाम के बाद मुझे याद करेगा छाड़, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और मैथ सबका भी वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर है। अब किसकी जगह पे ये वाला लगा देंगे जो भी है, बस हमको छापने से मतलब, जैसा है वैसा देख देख के यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, सीडिक बंधन से जुड़े होते, हाँ हो गया। और है कहीं, देखो नंबर मिल गया बाबू, जबकि हम ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। देखो यहां पर है डीएनए उंगली छाप का आधार क्या है, इसको भी लिखिए, एवं अपना मन से एवं तथा और कुछ भी लगाइए, एवं डीएनए उंगली छाप का आधार क्या है, अनुक्रम में बहुरूपता है,
हो गया ना, कितना एकदम अच्छा से भाई हो गया। बताओ इस क्वेश्चन के आंसर हम नहीं जानते थे लेकिन फिर भी लिख गया, तो एग्जामिनर खुशी खुशी से नहीं देगा, एकदम कितना लिख दिया एकदम, समझ रहे, एक नंबर है। इसी तरह आप ट्रिक लगा लगा के लिखिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन में और भी ट्रिक लगा के आपको और भी अच्छे से सिखाता हूँ भाई, अच्छे से आपको सिखा देता हूँ। और हाँ, अगर डीएनए बहुरूपता से और भी आप जानते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, मान लीजिए 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है, तो और आप लिखना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। एनी क्वेश्चन, मतलब कि डीएनए बहुरूपता से आपको रिलेटेड जो भी याद है, डीएनए उंगली छापी क्या है, डीएनए संरचना, डीएनए कार्य, जो भी आपको याद है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर डीएनए बहुरूपता, मतलब डीएनए जिस चैप्टर से पूछा गया है, ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया, उस चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, लिख सकते हैं, वो भी रिलेटेड ही होता है। चलिए मान लीजिए आप इस क्वेश्चन में, हम दूसरा क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में आप कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नहीं जानता है विद्युत मोटर क्या है, दो ऊर्जा स्रोतों का नाम क्या है, ये भी आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इसमें पहले इसमें ट्रिक लगाते हैं तब इसमें लगाते हैं, और भी क्वेश्चन लेकर आपको सिखाऊंगा। आ गए हैं वीडियो तो अच्छे से आपको सिखा देते हैं, ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होंगे, होने दीजिए। तो सबसे पहले वही लिखेंगे बाबू कि यहाँ पे लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया, 2 लाइन छोड़िए, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, आप इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, ठीक है, दोनों सही है। स्केल लेके खींचिए इस तरह। अब यहाँ पे क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से विद्युत मोटर का सिद्धांत, ऐसे कर लेंगे, ब्लैक पेन का हो गया काम खत्म, ठीक है। अब देखिए विद्युत मोटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में खोजना है, ट्रिक कहता है ऑब्जेक्टिव में खोजना है तब को रिलेटेड लिखना है। और अगर कुछ भी याद नहीं रहे, मतलब ऑब्जेक्टिवों में ना मिले, ये ट्रिक नंबर ये फाइल कर गया, रिलेटेड भी कुछ भी याद नहीं है, चैप्टर से भी कुछ भी याद नहीं है, तब अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो भी बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले विद्युत मोटर रिलेटेड देखते हैं कुछ पूछा है क्या, देखिए मिल गया, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, और भी इस तरह होगा, तो पहले इसको ले लेते हैं, जो जो मिले उसको उठाते जाइएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी बताऊंगा इसी वीडियो में क्या करना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने मन से कि विद्युत मोटर का सिद्धांत हुआ, सिद्धांत है जो विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे करता है, उसे विद्युत मोटर का सिद्धांत कहा जाता है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ब्लैक पेन से, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको अंडरलाइन कर दिया इस तरह, ठीक है, देखने में और सुंदर लगने लगा। अब देखिए विद्युत मोटर रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव में और खोज लेंगे, ठीक है, वीडियो बड़ी हो गई है तो आपको शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। और विद्युत मोटर रिलेटेड आप जो भी जानते हैं, वर्णन, चित्र या जो भी जानते हैं उसको भी लिख देंगे, एनी रिलेटेड कुछ भी जानते हैं उसको भी लिख देंगे, या विद्युत मोटर रिलेटेड, या विद्युत मोटर रिलेटेड जो भी आपको चैप्टर से क्वेश्चन याद है उसको भी लिख देंगे। लेकिन और भी आप चाहते हैं और लिखना तो कुछ भी याद नहीं है तो वो भी बताऊंगा, और अगर ऑब्जेक्टिव का सही ऑप्शन ना पता रहे तो भी बताऊंगा, थोड़ा और एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक लगा के सिखा देता हूं तब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए यही क्वेश्चन पेपर का देखते हैं दूसरा नंबर, जो आपको बताए थे कि
दो ऊर्जा स्रोतों का नाम मान लीजिए ये भी नहीं जानते हैं, तो चलिए इसमें भी ट्रिक लगाते हैं, पेज पलटाते हैं, ब्लैक पेन लीजिए और यहां पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, इस तरह लिखेंगे, स्केल लेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे कर लेंगे और यहां पे लिखेंगे ब्लैक पेन से दो ऊर्जा स्रोतों के नाम, ठीक है ऐसे। अब ट्रिक कहता है भाई कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है तब आगे बढ़ेंगे, तो पहले ऑब्जेक्टिव में खोज लेते हैं, दो ऊर्जा स्रोत ये टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में खोजिए खोजिए। देखिए लगा यहाँ, देखिए यहाँ मिल गया, देखिए यहाँ मिला, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, निम्नलिखित में से मतलब नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, देखिए बात को पकड़िए, निम्नलिखित में से मतलब इनमें से कौन सा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऊर्जा स्रोत यानी ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ऊर्जा स्रोत है, यह चारों ऊर्जा स्रोत है, ठीक है यहाँ कहना है, तो चार में से किन्हीं दो को उठा के लिख दो भाई, क्योंकि हमको दुए को पूछा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भूतापीय ऊर्जा पवन ऊर्जा, आप तीनों को लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नंबर दो में पवन ऊर्जा, अच्छा से लिख देंगे आप, और तीन में स्ट्रॉम एगो लिख दो भाई, क्या था नाभिकीय ऊर्जा, अपना माना स्ट्रॉम लिख सकते हैं, इसे नंबर कट नहीं होता है, ठीक है दो नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर आपको मिल जाएंगे, इस तरह लिख देंगे दो नंबर, देखा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे लेकिन फिर भी सही सही आंसर दे दिया, तो इसके कहते हैं दिमाग का खेल, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का अगर सही ऑप्शन नहीं पता रहे तो क्या करेंगे, तो आपको चार में से जो भी ऑप्शन किन्हीं ऑप्शन को एक को उठा के लिख देना है, एग्जामिनर को भनक तक नहीं चलेगा, उतना भी ध्यान से एग्जामिनर चेक नहीं करता है, ठीक है। और हाँ आपको ये भी बता देते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा ट्रिक नंबर सब फेल हो गया, ऑब्जेक्टिव में कोई जो क्वेश्चन गए खोजने वो नहीं मिला, रिलेटेड अगर याद नहीं है उस क्वेश्चन से, चैप्टर्स का भी कुछ याद नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर कुछ भी आपको याद नहीं है कुछ भी नहीं जानते हैं तब आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर याद है उसे ही लिख देना है, लेकिन सादा पेज खाली पेज नहीं छोड़ना है, मतलब आप जो भी जानते हैं उसे लिख देंगे, एग्जामिनर को बता देंगे देखिए सर हमने यही यही पढ़ा था, जो भी हम टैलेंट मतलब जो भी आपके अंदर टैलेंट है जो भी पढ़े हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इमोशनल बातें पैसा दुख भरी कहानी ये सब नहीं लिखेंगे, ये सब लिखने से नंबर नहीं मिलते। तो ये ट्रिक लगा लगा के आप 20 से 25 या 30 नंबर ज्यादा ला सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मेरा नाम गुलशन शर्मा है, आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है और आपको कितने नंबर चाहिए कमेंट बॉक्स में ये सब छोड़ जाइए, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे मैं उनका कमेंट देखता हूं, और देखने के बाद अगर आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो हम आपको पहचान जाएंगे कि हाँ ये बच्चा कमेंट किया था, तो फिर आपको बढ़िया अच्छा खासा नंबर दूंगा।